जैसा मैंने कहा था। झूठे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज नेहा और मैं दोबारा घूमने आ गए हैं दिल्ली में। तो आज हम दिल्ली में स्पेशली देखने आए हैं भारत दर्शन पार्क। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मोनूमेंट है ना, उनकी रेप्लिका बना रखी है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं और आज आपको मैं सारी रेप्लिका दिखाता हूँ। ये देख लो, अराउंड 21 रेप्लिकाज है यहाँ पे। और इसमें एंट्री के लिए आपको पहले टिकट परचेज करनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको पहले टिकट काउंटर पे दिखा देता हूँ और जो चार्जेस वगैरह है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वैसे तो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कि टिकट चार्जेस वगैरह ये है, ठीक है। और वीकडेज पे टिकट रहती है 100 और वीकेंड पे होती है 150। टिकट हमने ऑलरेडी ले ली है, बस जस्ट अब एंट्री करेंगे, ठीक है। और उस साइड टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट परचेज कर सकते हो। और पार्किंग की बताऊँ तो पार्किंग का तो यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे मेन पंजाबी बाग वाला रोड है उसी में सर्विस लाइन पे खड़ी कर सकते हो। मैंने इनसे बात की थी, कह रहे वहीं पे खड़ी कर दो। और ये ई कार्ट है, मतलब कि इसके चार्जेज आपको देने पड़ेंगे अराउंड 50 रुपीज़। ये पूरा आपको अंदर घुमा देंगे, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जवान हैं, हम कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं और मेन एंट्री करते हैं। बाकी आज मेरे साथ मेरे वीडियोग्राफर है नेहा जी, वो पूरा शूट करेंगे। तो गाइज फाइनली हमने एंट्री कर ली है। तो एंट्री करते ही सबसे पहले राइट साइड में तो ये है SDMC। क्या है SDMC? SDMC शायद साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये नहीं पता सही है या गलत है, बट आई थिंक सही है। गूगल करूंगी। हाँ, गूगल करना और कमेंट करके बताना गाइस अगर मैं सही हूँ तो। तो चलो करते हैं एंट्री। तो सबसे पहले ये बताओ, ये है गेट वे ऑफ इंडिया? इंडिया गेट। गेट वे ऑफ इंडिया? इंडिया गेट जो मुंबई में है। बट मैं श्योर नहीं हूँ। चलो हम दोनों के, आप मेरा गेस्ट था इंडिया गेट, आपका था गेट वे ऑफ इंडिया। अभी मैं साबित कर देता हूँ, मैं नहीं नहीं आपका था गेट वे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट था मेरा गेट। नहीं नहीं, चीटिंग, क्योंकि मैं सही हूँ, गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया सही कह रहे हो। अच्छा, गेट वे ऑफ इंडिया वो वाला मुंबई वाला है ना? यस। हां, ये चलो कोई नहीं, इसकी छोटी सी रेप्लिका बना रखी है ना। ये चीज बढ़िया कर रखी है ना। यस, कि कोई बॉम्बे ना जा पाए, मतलब इतनी दूर ना जा पाए, एटलीस्ट यहीं देख ले। तो भाई चलो चलते हैं अब अंदर। फर्स्ट मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया, जैसा मैंने कहा था। झूठे। अंदर तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा बना रखा है बस, और बाकी चेक करें तो ये लोहे का ही है। चलो फर्स्ट मॉन्यूमेंट कवर है ना। नेक्स्ट तो मॉन्यूमेंट नहीं है, नेक्स्ट तो वो है क्या है जस्ट। अच्छा, पता नहीं क्या है, आई थिंक वो देखा मॉन्यूमेंट है, मैं बोल रही थी। क्या है ये? ये कोई मॉन्यूमेंट है, पढ़ो वहाँ पे क्या है। ये बनियान ट्री है। अच्छा, ये सबसे आई थिंक मैंने देखा था ये सबसे बड़ा पेड़ है पूरे इंडिया में, ये उसकी वो बना रखती है। और इसमें देखो नेहा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे क्या देखो, लैंडर लगा रखे हैं, मतलब वेस्ट चीजें से बना रखा है शायद ये। ओके, है ना, देखो वो सिलेंडर है ऊपर। हाँ, राइट है ना, सिलेंडर है। और ये देखो वेट तोलने वाली मशीन लगी हुई है, वो स्टेयरिंग व्हील है। तो उस टाइप से वेस्ट कुल चीजें से बना रखा है ये। भाई चलो आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले राइट साइड में तो ये थोड़ी झोपड़ी बना रखी है, आई थिंक ये थोड़ा घूम घूम के कोई थक जाए तो बैठ सकता है। मोटर चला रहे हो? चलो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो एक और मॉन्यूमेंट आ गया है, ये है, गैस करो तुम। ये नहीं, मुझे हवा महल। हवा महल यार, इतना ये मैंने बोल दिया था, हवा महल कितना बढ़िया बना रखा है ना। मैंने हवा महल ओरिजिनल भी देखा है। और मेरा ये पूरा ही ये पार्क उससे बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल से। ओके, मेरे को इसमें इंजन के पार्ट्स लगा रखे हैं। किसके पार्ट्स? इंजन गाड़ी का जो इंजन होता है उसके पार्ट्स यूज कर रखे हैं। अच्छा, वो स्प्रिंग लगा रखे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये पूरा ही इनका मेन थीम ये है कि वेस्ट टू वंडर, वेस्टफुल चीजें से वंडर चीजें बनानी है। भाई चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कौन कौन से मॉन्यूमेंट है। ये थर्ड मॉन्यूमेंट कवर किया ना, ये हमने कवर किया आई थिंक थर्ड। हाँ, थर्ड। हाँ,
हाँ वो बनियान ट्री को पता नहीं हम मॉन्यूमेंट कहेंगे या नहीं, काउंट करके देखते हैं ये क्या होगा नेक्स्ट। ये बताओ, गेस करके बताओ। नहीं नहीं आ रहा। गोल गुंबद है, गोल गुंबद। ये कहाँ एग्जैक्ट कहाँ पे है ये? मैंने वहाँ पे पढ़ा है। कहाँ पे, कौन से स्टेट का है ये? देश का सबसे बड़ा गुंबद। जगह विजयपुरा, कर्नाटका, इंडिया। अच्छा, तब भी नहीं मुझे पता। हाँ, ये कर्नाटका में है। ये भी बढ़िया बना रखा है ना। नाइस गाइस, चलो गोल गुंबद के बाद आगे चलते हैं। और देख के आते हैं। मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मॉन्यूमेंट क्या है। आपने गेस कर लिया होगा ऑलरेडी। ये मैं क्या, ये सबने गेस कर लिया होगा। चलो अगर आपने गेस किया नहीं, हां कुतुब मीनार, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको सही। मैं अभी तक दो तीन बार सही हूँ। मैं दो बार नहीं, मेरे हिसाब से एक बार ही। दो बार सही हूँ मैं। इसका नाम है कुतुब मीनार, पांच मंजिला कुतुब मीनार। चलो भाई, जब कुतुब मीनार के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट गेस कर पाओगे वैसे क्या है वो? ये जो दिख रहा है ये नेक्स्ट है। मेरे को तो अभी तक स्टेयर दिख दिया खाली। ये है, ये नहीं मैं गेस कर पाऊंगी। नालंदा। ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट का है? मैं बताता हूँ, ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। अच्छा, ये बिहार में है। ये इस टाइप का ये बना रखा है मॉन्यूमेंट। पर है क्या मॉन्यूमेंट का नाम क्या है? नालंदा ही नाम है। ज्ञान का प्राचीन केंद्र होगा कुछ मॉन्यूमेंट टाइप। बाकी तो मेन स्टेयर वगैरह है यहाँ पे। तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहले ये दिखा देते हैं नेक्स्ट क्या है। ये मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडियन कुछ है। इस पे तो भगवान की मूर्ति ही मूर्ति है बहुत सारी। इसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। कहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है? मदुरई, तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में आता है? ये पता नहीं मुझे भी नहीं पता नहीं, बट ये है मीनाक्षी टेम्पल। ये देख लो, यही बढ़िया बना रखा है ना। नाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है। बद्रीनाथ टेम्पल आएगा, मैं ऐसा गेस कर रही हूँ। बद्रीनाथ टेम्पल। अगर मैं सही हुई तो क्या मिलेगा मुझे? आपको मिलेगा एक पानी की बोतल। अच्छा ठीक है। तो इस साइड पे खाली सिटिंग का बना रखा है। सिटिंग का हम ड्रॉप करते हैं, आगे चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है ये वाला है बद्रीनाथ टेम्पल। मैंने कहा था ना, सही हुआ। मैंने कहा था ना, क्योंकि मुझे पता आप पहले यहाँ पे भाग के देख के गए थे। अच्छा, ये बद्रीनाथ टेम्पल है। और इससे आगे चलते हैं, और कौन सा है ये? यहाँ पे थोड़ा सिटिंग के लिए बना रखा बढ़िया। थोड़ा नहीं, उन्होंने काफी कुछ बना रखा है। और इवन ऊपर सोलर प्लेट्स लगा रखी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये चीज भी बढ़िया है। रात को मे बी लाइटनिंग सिस्टम होता है यहाँ पे हर जगह। ये है बेल टाइप। बेल है? हाँ, मंदिर की सब बेल बना रखी है। अच्छा, तो ये मंदिर के वो बनाए हैं, तो उस वजह से। जय श्री राम। इसका नाम क्या? वो वाला तो बद्रीनाथ टेंपल था। ये वाला? ठीक है, ये वाला है द्वारकाधीश टेंपल। ये कृष्ण जी का मंदिर। ये है द्वारका, गुजरात, इंडिया में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं और क्या है। और ये पीछे आपको दिख ही रहा होगा, ये तो वो है क्या? जो हमने गेटवे ऑफ इंडिया कवर किया था। ओके, और ये अपना भारत लिखा है, भारत दर्शन पार्क। अच्छा, भारत दर्शन पार्क लिखा है। और ये मतलब कि वो करते हैं ना मोमबत्ती जलाने के लिए। ये वो है नेहा, आई थिंक रात को मतलब नकली की लाइटनिंग नहीं होती। ओके ओके, तो वो मोमबत्ती जल जाएगी इस साइड। मुझे लगता है रात को चलती होंगी यहाँ पे लाइटनिंग्स वगैरह होती होगी। आई थिंक ये इनके आसपास भी लाइटें वगैरह जलती होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पल है, ये है रामेश्वरम टेम्पल। ये भी तमिलनाडु में है, रामेश्वरम टेम्पल। ये उस टाइप का ही बना हुआ है ना, जैसे हमने पीछे देखा था वो मीनाक्षी टेम्पल। इसलिए तमिलनाडु में ऑलमोस्ट सेम टेम्पल होते हैं, मतलब कि हाइटेड बनाते हैं ऊपर, है ना। ये भी बढ़िया बना रखा है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टेम्पल है, घंटी तो बजाते सारी किसी ने बजाई नहीं होगी। ये है जगन्नाथपुरी, इसका तो मैंने सुना है काफी। कहाँ पे है? जगन्नाथपुरी, ओडिशा, इंडिया। देखो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये भी बढ़िया बना रखा
ठीक है एक्चुअली पता है, हाँ नाम बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, भारत दर्शन पार्क, पूरे भारत का दर्शन कर लेते हैं। पता है मैंने वहाँ से चीटिंग कर दी, वहाँ पे सब ऐसे ही मैंने देखा था, तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा था बद्रीनाथ। तो भाई चलो आगे चलते, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आएगा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना नेहा, यस महाभद पैलेस, सबसे बढ़िया चीज लगी ये, ये स्टेयर है ना घूम के स्पाइरल से बनाई हुई है इन्होंने, आज इट इज ये बढ़िया चीज बना रखी है। और इसमें देखो पता है क्या लगा रखा है, पास से दिखाता हूं, वाइन की बोतल यूज कर रखी है ना, देखो वाइन की बोतल यूज कर रखी है अंदर, ओके ठीक है, वाइन की बोतल यूज कर रखी है। और इस साइड ये वो जो साइकिल में वो जो क्या कहते हैं उसे चैन वाला जो सेट यूज होता है वो कर रखा है। छोटे छोटे स्टेयर कितने बढ़िया बना रखे ये मोनी, अब तक का मुझे सबसे बढ़िया मोन्यूमेंट लगा ये वाला। तो चलो अब आगे की साइड चलते हैं, ये बाकी यहाँ पे सिटिंग का तो हर जगह बना ही रखा है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये जैसा कि मालिक खाई था, बताओ कौन सा गैस कर गया, ये नहीं मुझे पता, मैं बताऊँ ऐसे बताना था चीटिंग। ये है सांची स्तूपा। अच्छा ये सांची स्तूपा है, ये आई थिंक बुद्ध भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे। अच्छा तो और ये सही बना रखा है, चलो इसका पूरा राउंड लेके आते हैं। चलो ये काफी बढ़िया बना रखा, मतलब सिटिंग का ही बना रखा है ना। हाँ इवनिंग में अच्छा है यहाँ पे आने का। अच्छा होगा यहाँ पे, ये तो गणेश जी की जैसे मूर्ति बना रखी है। ये एंट्री गेट्स होंगे शायद है ना, मे बी इस टाइप से बना रखा है। चलो आगे की साइड चलते हैं, तो अब देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यहाँ पे विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस ये इंडिया में ही है, ब्रिटिश ने बनाया होगा, मतलब नाम तो जैसा इंग्लिश सा है ना, तो बाहर के देश में पाएगा, पर ये है अपनी। हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने 12th क्लास से? पढ़ी नहीं है, पढ़ी थी 12th में, नहीं 8th 9th में होते होंगे सब्जेक्ट, में होती है वो तो। हाँ। ये विक्टोरिया पैलेस है, ये भी बढ़िया बना रखा है। और इसके जस्ट सामने है ये है हम्पी चैरियट, इंग्लिश में तो हम्पी चैरियट बोलते हैं और हिंदी में हम्पी रथ। अच्छा बेसिकली रथ है ये, पर ये रथ है किसका एक बार देखें, हिस्ट्री 300। अच्छा ये टेंपल ही है, रथ का टेंपल बना रखा है, पत्थर के अनोखे रथ। हाँ। ओके इन रियलिटी ऐसा है, इन डुप्लीकेसी ऐसा। हाँ बट बनाया अच्छा है क्या, सारे मतलब वेस्टफुल चीजें, मतलब ये देखो ट्रक्स के पार्ट है, ये इंजन के पार्ट है, मतलब बढ़िया बना रखा है वेस्टफुल चीजों से सारा। तो चलो अब आगे की साइड चलते हैं, अब जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ ना वो ताजमहल। नेहा कई दिनों से मेरे से कह रही थी कि मुझे ताजमहल घूम के जाना, आगरा जाना है, तो देख लो मैंने सस्ते में निपटवा दिया। पर मैं फिर भी जाऊंगी, मैंने व्हाइट ताजमहल देखना, ब्लैक नहीं देखना। या तो फिर वो करना पड़ेगा, इसके क्या कहते हैं व्हाइट चश्मा खरीदना पड़ेगा, उससे देख सकते हैं। बाकी ये है कि मैंने आपका ताजमहल का सपना पूरा कर दिया, ठीक है से थैंक यू। हाँ थैंक यू, बिग थैंक यू। वैसे एक चीज बताऊँ, अब तक हम इस पूरे में घूमे हैं, सबसे मेन चीज मुझे ये लगी यहाँ पे क्लीनिंगनेस, साफ सफाई पूरी है ना, जैसे पेड़ पौधे भी काफी लगे हैं, ग्रीनरी वगैरह भी काफी है, ये तो हमें पता ही है ताजमहल। तो चलो ताजमहल, हालांकि मोन्यूमेंट जो बना रखे हैं कमी कुछ नहीं है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बना रखे हैं। तो चलो अब ताजमहल के बाद यहाँ से यू टर्न लेते हैं, तो ताजमहल घुमाए हैं, आगरा होके आ गए हैं, अब चलते हैं वापसी दिल्ली में। तो वापसी दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे मैसूर पैलेस। कहाँ पे? मैसूर पैलेस। ओके ये है कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में है, इसमें आई थिंक ये नीचे स्टेयर बना रखे है ना बैठने के लिए। नहीं नहीं ये उनके मॉन्यूमेंट का कुछ है, मुझे तो स्टेयर लग रहा है जैसे बैठा हो बैठने के लिए हो, जैसे सामने कुछ हो। ओके तो ये तो मैसूर पैलेस है, ये बढ़िया है। ये वाला क्या है, चार मीनार,
चलो इसके आर पार निकलते हैं। कोणार्क मंदिर। ओके। ये बेल लगाई हुई है, कल तो बेल बजा रहे। ये वाला मंदिर है ओडिशा का मंदिर है ये। ओके। तो अभी तक तो हमें ओडिशा और तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिर मिले हैं ना, कर्नाटका भी। कर्नाटका भी। तो ये वाला मंदिर, चलो आगे की साइड चलते हैं। आगे ये बुद्ध भगवान जी की मूर्ति ये दिखी गई होगी वाली है ना। हाँ। और इसके अंदर देखते क्या, इसके अंदर भी देखो आपकी घंटी का असर हो रहा है। हाँ। इसके अंदर भी मूर्ति लगी हुई है, आ जाओ दिखाता हूँ। हाँ। देखो है ना, ये आई थिंक किसी भगवान जी की मूर्ति है, इसमें दिख नहीं रही कैमरे में हमारे। तो गाइस इसके अंदर एक भगवान जी की मूर्ति भी है, चलो। और यहाँ पे ऑलरेडी ये बुद्ध भगवान जी की भी मूर्ति देख ही ली हमने, और आगे और देखते थोड़ा आगे। आगे ये है, ये किलर टाइप बना रखा है, आई थिंक होगा कुछ। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, हाथी मेरा साथी। तो चलो इसके बाद चलते हैं आगे। खजुराहो मंदिर साइडों से दिखाते हैं, आ जाओ ये थोड़ा अंदर। नहीं है कुछ, अंदर तो कुछ भी नहीं है। और ये जगह ही बताता हूँ, छतरपुर एमपी इंडिया। अच्छा, ये मंदिर भी बढ़िया बना रखा है ना। नाइस। अरे इस पे ये इंसानों के वो बना रखे हैं, छोटे छोटे स्टैचू। कितना अच्छा आर्ट किया हुआ यार। गाइज फाइनली भारत दर्शन पार्क का टूर हुआ पूरा। मैंने आपको 21 मोनूमेंट थे, 21 के 21 दिखा दिए। तो अब चलते घर की तरफ वापसी। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लिटरली बहुत बढ़िया था। घूमने की जगह है, आना चाहिए जरूर, और साफ़ सफाई भी बढ़िया है। तो आपका मन भी लगेगा चीज़ें देखने का। और बाकी सीटिंग वीटिंग का ही बढ़िया बना रखा है, रेस्ट करना हो, कैफेटेरिया भी है खाने पीने के लिए। किसी अच्छे मौसम में अच्छा रहेगा आना। हाँ, ये है कि अगर जैसे किस दिन और बढ़िया मौसम है ना, उस दिन आओ तो और भी मज़ा आएगा यहाँ शाम को। तो और आपका कैसा था नेहा, ये बताओ? मजा आया बढ़िया। बस गर्मी ने परेशान किया, बस थोड़ी सी गर्मी थी, बाकी ठीक था। थोड़ी गर्मी थी। अब चलते हैं घर की तरफ वापसी। गलत बोल रहा है इंसान, बहुत गर्मी थी। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ वापसी, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय बाय।